बेबी क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो यार, एक नहीं सौ पूछो। गोवा चले बेबी? अरे नहीं यार, वहाँ तो बहुत करोना है अभी। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुझे बहुत फिक्र है यार। क्या तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? ऑफ कोर्स यार। तुम मुझसे इतना प्यार और मेरी चिंता कब से करने लगे? 2019 से यार। मतलब? अरे बेबी 2019 में ही तो कोरोना आया था। अच्छा सोचो, अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या करोगे? लॉकडाउन लग गया तो क्या साथ में रह लेंगे? ओ वाओ। एक मिनट। हेलो हेलो भाई, मुझे पता चला क्या? लॉकडाउन लग गया है थर्ड, वो भी। अब कैसे मिलेगा अपनी बंदी से? क्या हुआ? अरे बेबी लॉकडाउन लग गया यार। बेबी अब तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? अरे ऐसा कैसा बेबी, तुम्हारे लिए पुलिस वाले से दंडे खा के आऊंगा मैं। बेबी अब हम कैसे घूमेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे घूमने जाएंगे? अब तुम मेरे को भूल जाओगे ना बेबी? अरे बेबी हम तो वीडियो कॉल में बात करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रही हो? है सच में? हाँ अरे बेबी लॉकडाउन लग गया, पुलिस आ गई, भागो। तो मैं और लड़कियों से बात करूं। और मीना जी क्या हाल है आपके? अच्छा सब चल रहा है ना? अरे क्या बताऊं यादव मैडम, हाल बहुत बुरे हैं, परेशान हो गया हूं मैं। अरे सर क्या हुआ, बीबी से झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे मैम बीवी को तो बाहर में जाने दो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे सर इतने गुस्से में क्यों हो? अरे मैडम आपको क्या बताऊँ, इन बच्चों ने तो मेरी जिंदगी झंड कर रखी है यार। अरे सर ऐसी क्या बात हो गई, हमें भी तो बताओ जरा। अरे मैम क्या बताऊँ आपको, ये बच्चे सच में बहुत शैतान है। जब भी इनको मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, जूतों से आवाज करने लग जाते हैं, पढ़ाने नहीं देते। अरे सर हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है, मुझे तो चिंता है इन बच्चों की भविष्य का क्या होगा। अरे क्या करेंगे मैम, रिक्शा चलाएंगे, पकौड़े बेचेंगे, समोसे बेचेंगे, गिदम्मा गरम जलेबियां बनाएंगे, और करेंगे क्या, और जूते पॉलिश कर लेंगे, इनका आता ही क्या है और। अरे सर क्या आप भी। Excuse me boss, you have a text message. ओ ब्रेकिंग न्यूज, लॉकडाउन। अरे मैडम लग गया तीसरा लॉकडाउन। वाह मीना जी अब तो मौज हो गई, अब तो लॉकडाउन लग गया, अब तो बच्चों लोग पढ़ाने नहीं पड़ेगा। और क्या मैडम, अब तो मैं लैपटॉप ओपन करके और कैमरा ऑफ करके सो जाऊंगा, कौन फटेगा इन पागलों को। अरे सर जी बच्चे तो इतने शैतान हैं, आपसे पहले कैमरा वो ही ऑफ कर देंगे। अरे मैडम जी ये लॉकडाउन और कोरोना ने तो ऐसे ऐसी कर ही रखी है, और अब ये बच्चे देखना जान खाएंगे हमारी ऑनलाइन क्लास में। अरे सर अब देखना इनके 10 बहाने होंगे, कैमरा नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, अब इनका यही बहाना होगा। अरे मैडम ये लॉकडाउन ना तो बच्चों के लिए लगता है, हमें तो फिर भी काम करना है स्कूल आके। ओए समीर मम्मी को बता दूंगा तूने ट्यूशन का होमवर्क नहीं करा। जा बता दे मैं डरता नहीं हूँ। और हाँ जो पापा ने तुझे 10 रुपए दिए थे ना वो मुझे दे दे। क्यों दे दे, मैं नहीं दे रहा, जा। ओए तूने ये जो कोट पहन रखा है ना ये मेरा है, मुझे वापस कर दे। और जो तूने जैकेट पहन रखी ना ये मेरी है, ये मुझे वापस कर दे। जा मैं नहीं कर रहा। तो मैं भी नहीं कर रहा। ओए मैं घर में बड़ा हूँ, तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। ओए मैं घर में सबका लाडला हूँ इसलिए तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी, तू पापा की जेब से 10 रुपए चुराता है। और तू 100 रुपए। और मैं यही बता दूंगा तू जब भी बाहर से आता है ना तो हैंड वॉश नहीं करता है, कोरोना चल रहा है। तू बड़ा मास्क लगाता है। और बेटे इस बार लॉकडाउन लग गया ना तो तू बहुत पिटेगा मुझसे। तेरा काम ही क्या है, तू पढ़ता लिखता तो है नहीं। बस करो तुम दोनों इतनी देर से लड़े ही जा रहे हो, लड़े ही जा रही हो। तुम दोनों ऐसे बैठ रहे हो गुस्से में, क्या बाहर भी चले हो खेलने? मैं इसके साथ खेलूंगा, मुझे नहीं खेलना इसके साथ। अरे जा मैं कौन सा तेरे साथ खेलने के लिए मर रहा हूँ। अब बस भी करो तुम दोनों, अगर तुम दोनों बाहर नहीं गए तो मम्मी से शिकायत कर दूंगी और मम्मी तुम्हें बहुत मारेगी। अरे चल ठीक है चल खेलते चल के। क्या हल्ला मचा रखा है सुबह सुबह छत पे, घर जाओ अपने अपने। तुम्हें पता नहीं है क्या थर्ड लॉकडाउन लग गया है?
अबे यार फिर से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अबे क्या हो गया, छुट्टी पड़ गई, स्कूल बंद हो गए, मजे आ गए, सरकार अच्छी है। तुम दोनों को पढ़ना वरना तो है नहीं, चलो घर में। यार मैं तो बोर हो गया घर पे बैठे बैठे, कुछ खेलने को भी नहीं है। इसका क्या होगा? पापा ने देख लिया ना, बल्ब की तरह फोड़ देंगे। थ्री फोर 412 413, आज के लिए तो हो गया। लॉकडाउन तक तो तेरे को गंजा कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6, अरे यार भूल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए भगवान, इस लॉकडाउन ने तो मेरे दोनों भाई को पागल कर दिया है। कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, मैं तो जा रही हूँ अंदर। भाई रुको रुको, ऐसा करते हैं, एक टीम बना के खेलते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। हाँ भाई सही कह रहा तू। देखो भाई लो, वो तो ठीक है, लेकिन तू मेरी टीम में रहेगा तो ही मैं खेलूंगा, वरना नहीं खेलूंगा। ना ना, ये नहीं होगा, वो मेरी टीम में होगा। ऐसा कैसे तेरी टीम में होगा? मैंने पहले बोला था मेरी टीम में होगा। अरे यार ऐसा मत करो, मुझे भी किसी एक टीम में ले लो। अरे चल चल चल, मैं नहीं लूंगा तुझे अपनी टीम में, तुझे खेलना तो आता नहीं, हरवा देगा तू। अरे पागल है क्या तू, मैं नहीं ले रहा तुझे अपनी टीम में, मैं लूंगा तो इसे लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं खेल रहा। ना तुझे इसको टीम में लेना है, ना तुझे इसको टीम में लेना है, मैं इसको मेरे टीम में ले लेता हूँ, अब दोनों एक टीम बना लो। हाँ ठीक है, ले 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 ले। अबे देख क्या रहा है तो, और क्या करूं? अबे मार तो सही। तूने क्यों नहीं मारा? मुझे लगा तू मारेगा। अरे मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं रखना तुझे अपनी टीम में, मुझे टीम चेंज करनी है। लो हो गई फिर से टीम में लड़ाई, अब क्या करें? क्या करना है, चलो देखते क्या होता है। अबे क्या हो गया तुझको, अभी तो एक ही पॉइंट गिरा है ना। अरे मुझे नहीं खेलना इसके साथ, एक पॉइंट गिरा नहीं कि चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे चिल्लाऊंगा ना, हाथों के पॉइंट जाने दिए तूने। अरे सुन यार, इसको चुप करा ले वरना फोड़ दूंगा इसे। तू फोड़ेगा मुझे, अब फोड़ फोड़। अरे क्या संभालू यार, बड़े दिनों बाद तमाशा देखने को मिल रहा है यार। तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो तेरे को फोड़ूंगा मैं। अरे क्या यार, तुम दोनों ने फोड़ा फाड़ चला रखा है, चलो गेम खेलते हैं ना। ए, क्या हाल है, मजा रखा है सुबह सुबह छत पे, घर जाओ अपने अपने, तुम्हें पता नहीं है क्या थर्ड लॉकडाउन लग गया? ओह नो, थर्ड लॉकडाउन कब लगा? कोई न्यूज तो आई नहीं। नहीं आई, कहीं के पति तो चले ही। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे, घर में बैठ के तमाशा देखेंगे और फिर क्या करेंगे? अब यार अब मेरे से नहीं रहा जाएगा घर पे यार, फिर क्या करेंगे, बाहर घूमे? यार थर्ड लॉकडाउन नहीं आना चाहिए, सॉरी, फिर से घर में बैठना पड़ेगा। अरे यार अब क्या करें, लॉकडाउन भी हो गया, बाहर भी नहीं जा सकते हम। हाँ यार अच्छा खासा वॉलीबॉल खेला करते थे, इस लॉकडाउन के चक्कर में अब घर पे बैठना पड़ा है। अरे यार एक तो साला वो बुड्ढा और एक ही वायरस, दोनों ने मार के रखी है यार। तो अब क्या करें, बैठ के घर के काम करें, झाड़ू पोछा लगाए? रिलैक्स ब्रो, चिल, एक काम करते फोन में गेम खेलते। अरे वाह क्या आइडिया है। अरे भाई खेलना क्या है? लूडो खेलते, क्या बोलते गाइस? अरे जा चल, लूडो तो लड़कियों का गेम है, तू लड़कियों के पास जाके खेल, हम BGMI खेलेंगे। अरे हाँ भाई, हेडशॉट मारेंगे, हेडशॉट, चिकन डिनर तो हम ही लेंगे। अबे देरी किस चीज की, चलो फोन निकालो खेलते हैं गेम। मार 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 मार, रिवाइव दे रिवाइव दे रिवाइव दे। अरे बता रहा है, देख देख, लगा 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 उसको। अरे तेरे आगे भी एक, देख 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 देख, तेरे आगे भी। अरे आगे नहीं पीछे, देख देख देख। अरे ओ बस भी करो, आ गया तुम्हारी शादी का टाइम 2022। अबे ओ तेरी जिंदगी में कोई नहीं है तो हमसे क्यों चल रहा है? अबे ओ मुझसे बकवास मत कर, अपनी बीवी के साथ खुश रह, चल। अबे ओ अभी तक बीवी हुई नहीं हूँ, 2022 में हो जाऊंगी। हाँ हाँ जो भी है, आप ये बताओ इस खुशी में कौन सी मिठाई खिलाओगे? अरे देवर जी पूरी मिठाई की दुकान आप ही की है।
मिठाइयों का ही कमाल है सारा। वो सब छोड़ मेरे भाई, इस साल तेरे भाई की शादी हो जाएगी 2022 में। ये यार तू तो इस साल घोड़ी चढ़ जाएगा। अरे यार इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। कब से? यही कोई 12-13 साल की उम्र से। हुआ तो कुछ नहीं, तब मैं बहुत छोटी। अब कौन सा तुम बड़ी हो गई हो, वो तो अभी भी तुम बच्ची। तो चुप रह, चल निकल। तो तुम ये बताओ कि हनीमून के लिए कहाँ चलोगे? हनीमून के बाद में सोचेंगे, पहले शादी तो हो जाने दो। अरे क्या खुसूर फुसूर कर रहे हो तुम दोनों? तुझे हमारी सारी बातें जाननी है, एक काम करना तू आ जाना यहाँ पर। अरे नहीं नहीं मैं सिंगल ही बढ़िया हूँ, सिंगल लाइफ इज बेस्ट। अच्छा बस तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है क्या? इसे कोई क्या पसंद आएगा, इसे तो कोई लड़की पसंद नहीं करती, मोटा रहेगा। अरे ओ छिली गाजर, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ वात, तुम लोग ही करो शादी। छोड़ो ना, तुम ये बताओ शादी में किस किस को बुलाओगे? कम से कम 500-600 लोग आएंगे, बहुत ही धूमधाम से करेंगे शादी। हेलो हाँ क्या सच में लग गया लॉकडाउन 3, कर लेना शादी। अरे क्या बकवास कर रहा है, किसका फोन था? अरविंद केजरीवाल का फोन था, लगवा दिया उसने दिल्ली में लॉकडाउन, भूल जाओ अब शादी वादी। क्या बेबी क्या बोल रहे थे, हमारी शादी नहीं होगी फिर से 2020, 21 और 22। अब क्या चाहता है वो कि मैं शादी ना करूं? अरे ऐसे कैसे लगा देगा लॉकडाउन, करेंगे ना शादी हम। हाँ तुमसे पूछ के ही तो लगाया वो लॉकडाउन, अब भूल जाओ शादी में 500-600 बंदे, अब तो सिर्फ 20 बंदे, 20 तो बैंड बाजे वाले ही हो जाते हैं। क्या बात कर रहा है यार, 20 बंदे, 20 बंदे तो घर वाले ही हो जाएंगे, पता नहीं मम्मी मुझे ले जाएंगी या नहीं। यार लगता है मेरी शादी कभी होगी नहीं, 2020 में भी लॉकडाउन लग गया, 2021 में भी, अब 22 में भी। मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हारी शादी कभी होगी नहीं, तुम दोनों भी सिंगल ही मरोगे मेरी तरह। बेबी हमारी शादी होगी। ने काम दिया था वो पूरा कर लिया तुमने? कौन से वाला काम? सारे काम तो बॉस ही देता है। अरे यार वो ही वाला जो सरने कर दिया था, किया नहीं तूने? अच्छा वो तो मैंने सुबह उसके मुंह पे दे के मारा। यार छुट्टी कब होगी, घर भी जाना है। क्या टाइम हुआ है वैसे, 6:30 तो हो गए हैं, आधा घंटा ही रहता है बस। यार चुप कर, पीछे देख, पीछे देख एक बार, देख पीछे। सर आप? हाँ मैं। बड़ी जल्दी है तुम्हें घर जाने की, सुबह कितने बजे आई थी? सर मैं तो ऑन टाइम थी। सर मैं भी। तुम चुप रहो, तुम कितने बजे आई थी ये बताओ। सर मैं तो 10:10 पे आ गई थी। क्या पूरे 10 मिनट लेट हो तुम? तुम 7 बजे नहीं जाओगी, तुम 8 बजे जाओगी। सर 8 बजे? मैं 10 मिनट ही तो लेट थी, 7:10 तक चली जाऊंगी। नहीं नहीं तुम पूरे 8 बजे जाओगी, अगर ऐसा है तो कल से तुम जॉब पे मत आना, और वैसे भी तुम्हें तो पता है लॉकडाउन लगने वाला है, सबको अपनी जॉब कितनी प्यारी है। ठीक है सर। हाँ प्रिया चले घर। बताऊँ तुझे, चल जा तू अपने आप, मैं तो 8 बजे ही जाऊँगी। तुम्हारी बड़ी हंसी छूट रही है, ये लो सारी फाइल्स, और इन सारी फाइल्स का काम आज कंप्लीट करके जाओगी तुम। सर मैं? हाँ तुम। वैसे भी तुम्हें अपनी जॉब से प्यार नहीं है क्या? लॉकडाउन लगने वाला है तो अपनी जॉब सिक्योर रखो, ओके? ठीक है सर। हाँ भूमि अब चलेंगे। हो ये क्या हुआ? क्या हुआ? सीएम ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी, अब 3rd लॉकडाउन लग रहा है। हाँ तो बढ़िया है ना, वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, ऑफिस आने से भी छुटकारा मिल जाएगा। बोल तो तू सही रही है। अब जैसे आप दोनों को पता चल गया है लॉकडाउन लग गया है, तो अब आप दोनों को वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, तो आप दोनों अपने लैपटॉप घर ले जाना, ओके? ओके सर। अभी तो 8 ही बजे हैं, 10 बजे में बहुत टाइम है, सो जाते हैं। अभी तो 9 है, 1 घंटा और। अरे 9:50 हो गए। हेलो कैसे हो मौसा जी, ठीक ठाक सब? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है आजकल? कुछ भी नहीं, बस बैठे हैं घर में। गाँव का भारी हो? देखते हैं।
अरे आओ जल्दी ट्रेन पकड़ के। अरे देखते हैं मौसा जी कब आएंगे। अरे ठीक है तुम्हारी? हाँ सब ठीक है। कोरोना वोरोना तो नहीं चल रहा? अरे चल रहा है मौसा जी, घर में पड़े हैं। अच्छा ऑफिस सही चल रहा है? अरे मौसा जी ऑफिस, चलो बाद में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम घर पे हो फिर भी इतना लेट लेट आ रहे हो। सर मैं कहाँ लेट, 10 ही तो बज रहे हैं अभी। हाँ सर 10 ही तो बज रहे हैं, मैं कहाँ लेट हूँ। हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, घर पे होने के बावजूद भी तुम 10-10 बजे आ रहे हो, तुम्हें तो 9 बजे आना चाहिए। क्या सर 9 बजे? पर हमारे ऑफिस का टाइम तो 10 बजे है। हाँ सर। तुम घर पे करते क्या हो, खाली तो सोते रहते हो, तो ऑफिस का कुछ काम ही कर लिया करो। हाँ ठीक है सर, आप बोलते हैं तो 9 बजे से ही कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो अपनी जॉब को सिक्योर रखो। ओके प्रिया। प्रिया चल कोई बात नहीं, आज तो काम कर लेते, वैसे भी कल संडे है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखेंगे। किसने कहा छुट्टी है, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, घर पर ही तो हो, ऑफिस का काम कर लिया करो, और वैसे तो तुम्हें पता ही है कोरोना चल रहा है, तो अपनी जॉब को ना जरा सिक्योर रखा करो। ओके तो ठीक है, अब मैं शाम को आता हूँ और काम का अपडेट लूंगा। ओके चल ठीक है यार, अब काम ही करते हैं, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है इस ऑफिस में आके। हाँ यार तू सही बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी भी झंड हो गई है। गाइस हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गाइस इस साल तुम्हारे कहाँ कहाँ जाने का प्लान है बताओ मुझे। गाइस इस साल तो मैं ना मालदीव जाऊंगी और वहाँ बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। और तुम कहाँ जाने वाली हो? गाइस मैं तो इस साल एलए जाऊंगी, बहुत सारे इंजॉय करूंगी। और तुम कहाँ जाने वाली हो? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी इस साल, घर में ही रहूंगी मैं तो। क्यों? अरे एक ही तो लाइफ है, एंजॉय कर, तू भी चल हमारे साथ। नहीं नहीं गाइस मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, वैसे ही कोरोना फैल रहा है और कभी भी लॉकडाउन हो सकता है। अरे यार ये तू क्या बोल रही है, तुझे कहीं नहीं जाना है तो मत जा, ऐसा अनाप शनाप तो मत बोल। अरे यार इसमें क्या अनाप शनाप, लॉकडाउन तो लगेगा ही। चल पागल। और तू बता तूने शॉपिंग कर ली क्या? अरे अभी कहाँ यार, मैं तो कल जाके सारे अच्छे अच्छे कपड़े उठा लाऊंगी। करने दो इनको शॉपिंग की बात, मुझे तो शॉपिंग पे जाना नहीं है, मैं तो अपने मोबाइल पे चैट करूंगी। हो ये क्या हो गया, क्या हुआ तुझको? अरे मुझको तो कुछ नहीं हुआ, होगा तो तुमको होगा अब। अरे पर हमें होगा क्या? ये देखो लग गया तीसरा लॉकडाउन। ये क्या बोल रही है, सच में लग गया तीसरा लॉकडाउन? हाँ और क्या, और जाओ बाहर घूमने। यार हमारी ट्रिप का क्या होगा? हमारी क्या तेरी, मैं तो पहले ही कहीं नहीं जा रही थी। हाँ हाँ वही यार, ये सब तो ठीक है पर अभी तो ब्यूटी पार्लर भी बंद हो जाएगा। हाँ यार वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे यार तुझे पता है पिछली बार लॉकडाउन लगा था ना, तो ना मेरी दाढ़ी मुझे सब आ गई थी। यार अब क्या होगा, मेरी तो मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा मुझे दाढ़ी आ जाएगी। अरे यार मैं तो अपने बॉयफ्रेंड को भूल ही गई, वो मुझसे बिना मिले मर ही जाएगा। वो मर जाएगा या फिर तू मर जाएगी उससे बिना मिले। इस कोरोना ने तो हमारी पूरी लाइफ की बैंड बजा कर रख दी, अब करे तो करे क्या। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, घर पे बैठ के झाड़ू पोछा मारेंगे। हमारी तो सच में जिंदगी झंड हो गई है बिल्कुल। अरे यार हमें तो बस एक ही चीज बचा सकती है कोरोना से। और वो क्या है? कोरोना को भगाने का मंत्र। अरे वो मंत्र क्या है हमें भी बताओ। और वो एक ही मंत्र है, गो कोरोना गो। और तुम भी बोलो मेरे साथ, गो कोरोना गो। अरे यार क्या यार, जैसे बैठे रहोगे या कहीं घूमने भी चलोगे? हाँ चलते हैं यार, रुक अभी थोड़ा। अबे तू चलेगा भी, ऐसे फोन पर ही लगा रहेगा? अरे यार चलते हैं, रुकना यार खेलने दो तो थोड़ा। तू क्या आया कर रहा है अब? अरे तेरे इस गेम के चक्कर में लेट हो जाएंगे। अरे यार पाकिस्तान जाना है, घर के बाहर ही तो जाना है ना, रिलैक्स रखो थोड़ा। अबे ओ आज पूरी दिल्ली घूमेंगे और गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा। अबे गाड़ी तो तुम्हारा भाई चलाएगा। अबे यार कभी तुम दोनों साइकिल चलाया, गाड़ी तो मेरी है मैं ही चलाऊंगा। भाई आज पूरी दिल्ली घूमेंगे और क्लब में जाके पार्टी करेंगे। मैं तो नाचूंगा और दारू पीऊंगा दारू। अबे दो कौड़ी के लोग, क्लब जाओगे पार्टी करोगे दारू पियोगे, सारा बिल भी मुझे ही भरना पड़ेगा। बिल तो तुम्हारा भाई भरेगा पर एक शर्त पे। अबे जादू कौन सी शर्त है तेरी? गाड़ी तो मैं चलाऊंगा। दट आपने साइकिल चलाई है, लौंडा आ गया कार चलाने के लिए। अरे तुम लोग झगड़ा मत करो, लेट हो रहे हो, ऐसे भी चलना नहीं है क्या? तुल्लो अब लग गया लॉकडाउन, तल्लो धुम लो दिल्ली ताला तय था। अरे यार लग गया लॉकडाउन, सुबह से बोल रहा हूँ चलो घूमने चलो घूमने।
सुबह से फोन पे पड़ा है। अरे यार मुझे क्या पता था कि लॉकडाउन लग जाएगी। अरे यार चलो अभी घूम के आते हैं। अभी आप कहाँ घूमने जाएंगे? बाहर पुलिस वाले लोग ने देख लिया तो लगाएंगे डंडे। तुम ही जाओ दोनों घूमने, मैं तो नहीं जा रहा, मुझे नहीं खाना पुलिस वाले के डंडे। अरे यार घूमना तो छोड़ो, अब तो गांजा दारू सब कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे यार तू सही बोल रहा है, पिछले लॉकडाउन पे मैंने बीड़ी पी पी के काम चलाया था, सिगरेट तो दूर दूर तक का नहीं मिल रही थी। मैं तो अपने पापा की दारू चुरा चुरा के पीऊंगा। अरे यार इस बार तो स्टॉक रखने के टाइम ही नहीं मिला, पूरा का पूरा लॉकडाउन लग गया इस बार। यार भाई अब क्या करेंगे यार? मेरे पास एक आइडिया है। अरे क्या आइडिया? तेरा पास सिगरेट ये दारू ये सब स्टॉक रखी हुई है? अरे नहीं, मेरे पास दारू और सिगरेट नहीं है। तो फिर क्या है तेरे पास? कागज की नकली सिगरेट बना के एक्टिंग करेंगे लोगों के सामने। रिसाला जादू अभी भी तेरा मजाक ही समझ रहा है, मेरा पास तो कुछ भी नया स्टॉक है। यार भाई ये बताओ करना क्या है यार? अबे चलो ना, करना क्या है, घूमने चलते, गाड़ी में चलाऊंगा। रुक जादू, तेरी तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। अरे यार वो कुत्ता मिला दो, यहाँ लॉकडाउन लग गया है यार, मार साले को। Hey everyone, this side Rocky is, I'm the founder and CEO of Celebrity Phase India and guys बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सेलिब्रिटी फेस के बैक टू बैक न्यू वेब सीरीज आ रही है, स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक्सट्री क्वालिटी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थ्योरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। तो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।